नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि नवोदय विद्यालय की तरफ से आ चुकी है बम्पर वैकेंसी। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय यानी कि NVS में आई टीचरों की बम्पर भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा विभाग में बम्पर भर्ती की सूचना जारी हो चुकी है जिसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आप सभी अभ्यर्थियों को देने वाले हैं। और दोस्तों ये जो भर्ती है साल 2022 की बम्पर भर्ती है जिसमें कक्षा 10वीं पास से लेकर के 12वीं पास और स्नातक पास सभी योग्यताधारी अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण भर्ती की जानकारी आपको देंगे और सबसे अच्छी बात यह है देखने की कि इस भर्ती के लिए आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होगी, बिना परीक्षा के बिल्कुल सीधी भर्तियों की यह सूचना है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। रोजाना इसी प्रकार नई भर्तियों की जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय भर्ती 2022 के बारे में जिसकी सूचना जारी हो चुकी है और यहां पर कोई भी परीक्षा नहीं होगी, सीधी भर्ती है। योग्यता जो है कक्षा 10वीं से लेकर के 12वीं और स्नातक पास अभ्यर्थियों के लिए बम्पर भर्ती है जिसमें आपको सैलरी मिलेगी लगभग 35,000 रुपए प्रतिमाह, जो कि काफी अच्छी सैलरी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों इन भर्तियों के लिए संपूर्ण भारत से सभी महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि भारत के किसी भी राज्य या जिले में आप रहते हैं दोस्तों तो आप सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं जहां पर हम आपको इस भर्ती की और भी अन्य जानकारी देंगे। तो दोस्तों अधिक जानकारी और आवेदन करने का लिंक मिलेगा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर sarkaritodaynews.com पर। दोस्तों आज ही हमारी वेबसाइट पर जाएं और आवेदन करें, आप चाहे तो गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपके सामने है, जो कि भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं लोकसभा में कुछ सवाल किए गए थे जिसके अंतर्गत यहां पर जवाब आए हैं 13 दिसंबर को, ठीक है। आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या कौन सी है और यहां पर शिक्षकों की रिक्तियों के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रही है, यानी कि इस साल 2022 में जो भर्तियां होने वाली है शिक्षा विभाग के अंदर उसकी पूरी लिस्ट यहां पर आ चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर जो जवाब दिए गए हैं, आप देख सकते हैं नवोदय विद्यालय की तरफ से जवाब मांगे गए थे 30 सितंबर को और यहां पर 13 दिसंबर को जवाब आए हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी अभ्यर्थी देख सकते हैं यहां पर राज्य के अकॉर्डिंग यहां पर आप देख सकते हैं कौन कौन से राज्य में कितनी कितनी भर्तियां होने वाली है वो पूरी लिस्ट यहां पर दी गई है। तो गुजरात में कितनी भर्ती है 36 है, गोवा में कितनी है आप देख सकते हैं यहां पर, और दिल्ली में कितनी है यहां पर 4 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में कितनी है 225 है, छत्तीसगढ़ में कितनी है, यानी कि सारी वैकेंसियों की जानकारी यहां पर दी गई है। आप अपने राज्य के हिसाब से आप चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन से राज्य में कितनी भर्तियां हैं, जैसा कि पंजाब में 90 है, राजस्थान में 110 है, सिक्किम में कितनी है 25 है, और वहीं आप देखते हैं उत्तर प्रदेश यूपी में 202 है, ठीक है। तो यहां पर आप देखते हैं राज्य के हिसाब से यहां पर भर्तियों की पूरी जानकारी दे रखी है कौन कौन से राज्य में कितनी कितनी भर्तियां होने वाली है। वहीं दोस्तों सीधा वेबसाइट के माध्यम से आपको और समझाते हैं इस भर्तियों के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से बम्पर भर्तियां निकाली जा रही है सन 2022 के लिए, और दोस्तों यहां पर आप देखते हैं कौन कौन से पदों पर यह भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों यहां पर आप देखते हैं आर्ट टीचर के पदों पर भर्ती है, म्यूजिक टीचर की भर्ती होगी, फिजिकल एजुकेशन टीचर की भर्ती होगी, लाइब्रेरियन की होगी, स्टाफ नर्स की होगी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की होगी और भी अन्य पदों पर यह भर्ती देखने को मिल रही है। कुल पदों की संख्या आप यहां पर देख सकते हैं 3,978 पदों पर यह बम्पर भर्ती है। जी हां दोस्तों आप देख सकते हैं साफ साफ यहां पर बताया गया है कि 3,978 पदों पर यह बम्पर भर्ती होने वाली है जिसके लिए आप सभी अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे, आवेदन केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। वहीं चयन प्रक्रिया में केवल आपका इंटरव्यू होगा, आपकी कोई भी परीक्षा यहां पर नहीं होगी। सैलरी आपको मिलेगी लगभग 35,000 रुपए प्रतिमाह, जो कि काफी अच्छी सैलरी होगी, ठीक है। वहीं दोस्तों यहां पर संपूर्ण भारत से सभी महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। उम्र सीमा की बात करते हैं तो कम से कम 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, अधिकतम जो है 56 साल तक की रहेगी। वहीं दोस्तों नोटिफिकेशन पे आकर के आप और भी जानकारी ले सकते हैं, यहां पर आपको और भी जानकारी दी गई है, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, यहां पर आपको और भी भर्ती की जानकारी मिल जाएगी, साथ ही साथ आवेदन शुरू होंगे तो आपको आवेदन करने का लिंक भी मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।